YouTube फैमिली, हम आज के लिए कचका स्टेशन हम तो देख सकते हैं। स्टेशन पे हम खड़े हैं, यहाँ हो रही है किसी का वेट और हम जाएंगे कहीं घूमने। देख सकते हैं स्टेशन है और हम आ चुके हैं। आप लोग बताइएगा स्टेशन का नाम भी आपको दिखाएंगे कौन सा स्टेशन है। तो आप लोग कैसे महसूस कर रहे हो, अच्छे हो नहीं हो, सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये है स्टेशन का, रास्ते कर लेते हैं सब। तो मेरा नाम सबसे पहले तो गुड़िया भोजपुरिया में आप सभी का चैनल में स्वागत है। गुड़िया भोजपुरिया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों देख सकते हैं हम आए हैं यहाँ घूमने और ये है स्टेशन और आ चुके हैं हम स्टेशन पे। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, आप लोग को बताएंगे क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं। तो यहाँ का ये नज़ारा है, देख सकते हैं स्टेशन का, और अच्छा लगा हमें बहुत यहाँ आए हैं घूमने के लिए। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं और कहाँ जाएंगे। देख सकते हैं स्टेशन ये, हम लोग मसरे ससरे चाय नाश्ता हो गया नहीं हो गया तो आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अब हमें गेस्ट करके बताइएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। आप सभी को बाय। हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल में गुड़िया जौनपुरिया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों को जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। और सबसे पहले तो गुड़िया भोजपुरिया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग को हम बता दें कि हमारा आदमी सोचता है कि हमसे पैसे मांगेगी, कॉल करेगी, कभी नहीं करने वाले, अपने दम पे खड़े होंगे। ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब से ही कमाएं, हम अपने दम पे कहीं भी रोजगार करके खा सकते हैं। और हम वहाँ की बहू को सुन लो, अगर इस तरह सिंदूर और चूड़ी लगा के घर में बैठी रहेंगी ना तो ज़िंदगी आपकी नहीं आपके बच्चों को भी बेकार होगा। अगर आप अपने भविष्य बनाना चाहती है तो निकलो बाहर और कमाओ, इस तरह चूड़ी और सिंदूर से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप लोग से खास करके बोल रहे हैं, इस तरह अगर अपने बच्चे का ज़िंदगी बेकार करेंगी तो अपना तो ज़िंदगी बेकार है, बच्चों का भी ज़िंदगी बेकार है। तो हम खुद निकलेंगे कमाने और हम खुद कमाएंगे, अपने बल पे खड़े होंगे और दो बच्चों को भी पालेंगे। और हमें अच्छा लगा और हमें अच्छा लग रहा है इस तरह रहना। मेरी लुक है ना, ये मेरे को बहुत पसंद है, ये अभी की लुक है। और ये सिंदूर और चूड़ी वाला जो लुक था ना वो बहुत पुराना हो चुका है, तो उस चीज़ को लेके हम नहीं जीना चाहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना चाहते हैं, दो बच्चे को लेके और अच्छे से ही जिएंगे। और हमारे बच्चे भी हमारे साथ बहुत खुश हैं, आप लोग से बता दें हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं। नहीं उसको या किसी की याद आती है और ना किसी के पास जाने के लिए बोलते हैं। सोच रहा था कि कॉल करेगी, बुलाएगी, पैसे मांगेगी, इतना तकलीफ हम नहीं उठाने वाले हैं भैया, खुद कमा के खा सकते हैं, क्या समझे थे, पागल वगल समझ रखे हो हाँ? हमें पैसे नहीं चाहिए, अगर ज़रूरत हो ना तो खुद कहता था ना दूसरे को रखी है। और तुम्हें भी खूब ही पता होगा तू किसको रखा है, दूसरे को तो छोड़, तुम्हें खूब ही पता होगा। मस्त है, इसको पूछ रहे इसी से पैसे पैसे, तो ये 20-25 हज़ार कमाता है। तुमसे हम बता दें, आज हम बताना नहीं चाहते पेमेंट, मेरा आदमी का पगार है कम से कम 20-25 हज़ार तक, आप लोग सुन लीजिए। लेकिन आज तक हमें फूटी कौड़ी नहीं देता है, शादी को हमारे 8 साल हो चुके हैं। तो ये किसको देता है पैसा हम कमेंट में नहीं बताएंगे और ना वीडियो में बताएंगे, आप लोग से बताएंगे, समय वक्त आएगा जब ये किसको देता है। और घर पे तो अपने कभी कदार डाल देता है, संजोग से 1000-2000 कभी कदार महीने में। सारा पैसा क्या करता है, नोटिंग करता है, मतलब ऊपरी कमाई भी करता है ये, और हम गाड़ी भी खाली करने जाता है, बहुत भी काम कर लेता है और खास अच्छा पैसा भी कमाता है। लेकिन हमको तो 1 रुपया नहीं देता भैया, झूठ नहीं बोलेंगे, इतने साल शादी का हो गए कभी नहीं कहते थे, लेकिन कहना पड़ रहा है। अगर बहू बेटी अगर तुम लोग हो ना तो इस तरह अपनी ज़िंदगी ना बर्बाद करो, घर में खेला खेला जाता है हमारे। ठीक है, हमको बोला भैया को रखी है, इसको रखी है, और वो अपने घर में ही रखा है, और खूब ही पता होगा किसको रखा है, खूब ही पता होगा।
तो हमें नहीं, और हमको बोलता है। और मैंने कमेंट में भी एक बार, मैंने जब अहमदाबाद गई थी, तो हम तो आप लोग से बता देते हैं, एक बार मेरे मोबाइल छोटा वाला था, जो मेरी मोबाइल टूट चुकी थी, तो हमने अपने आदमी का मोबाइल मांगा था। ये करीबन करीब हमें लग रहा है 3-4 साल तो हो ही गए होंगे हमारे हिसाब से। तो हमने मोबाइल मांगे, तो हमको मोबाइल दे दिए, तो उसमें मैसेज था कि मेरी दीदी का ऑपरेशन होने वाला है, पेट में पथरी है, पैसे भेज दो। कैसे हो, खाना खाए नहीं खाए बाबू? तो वो दिन हमें याद है, और किसका था नंबर और किसका था, हमने पता करी थी, वो नंबर खूबी पता करी थी, और कहाँ का था, और ये कहाँ पैसे लगाता है। तो जिसको भी लगाता है लगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला, घंटे से फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं तो अपने पल पे जीऊंगी, और अपने पल पे बच्चे पालूंगी, और खुद कमाऊंगी बाहर निकल के। तेरे पास नहीं जाऊंगी, पूरे दुनिया में घूमूंगी, पूरे दुनिया में कमाऊंगी, कि तेरे पास नहीं जाऊंगी। अहमदाबाद छोड़ के कहीं भी कमा खा सकते हैं। अहमदाबाद मेरे आदमी का बाप का है, वहाँ लिखना कराया है, अहमदाबाद मेरे आदमी का बाप का है। वो बोलता है ना कि अहमदाबाद नहीं आना, तो उसके बाप का है, वो लिखित कराया है। तो इसके लिए हम अहमदाबाद नहीं जाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं तो जाएंगे। 2-4 दिन के बाद हम जाने वाले भी हैं, दिखेगा, डालेंगे वीडियो हम जरूर, और हम निकलेंगे जब, तो आप लोग को जरूर रखेंगे, और बच्चे को बेखूबी पढ़ाएंगे, अपने बेखूबी पढ़ाएंगे, बच्चे हमारे पढ़ेंगे, अच्छे से रहेंगे, मस्त रूम लेंगे, एकदम बढ़िया से जिंदगी जिएंगे। ऐसी जिंदगी पे हमें थू है, ठीक है? ससुराल से सुख नहीं, आदमी से सुख नहीं, तो ऐसी जिंदगी का क्या है? ऐसी जिंदगी जीने से लालच है, ठीक है? जो अपने बल पे ना खड़ा हो वो बेकार है। इसके लिए तो हम सब वस्त्र, ये साड़ी, ये बिंदी, ये फकीरा पसंद नहीं है। हाँ, कभी कदार हम कहीं जाते हैं तो लगा लेते हैं, क्यों लगा लेते हैं? ताकि कोई कहे ना कि आदमी को ये छोड़ दी है। थोड़ा लिहाज करके लगा लेते हैं, खाली लिहाज करके, ठीक है? वरना वो भी हम नहीं लगाते, वो भी नहीं लगाते हम, क्योंकि इस तरह हमें बहुत अच्छा लगता है। और जब बहुएं परेशान हो जाएंगे, तो कोई ना कोई कदम जरूर उठाती हैं बच्चे को पालने के लिए। तो हम गलत कदम नहीं उठाएंगे, खुद कमाएंगे, और आप लोग को भी शेयर करेंगे, जो भी हम काम करेंगे शेयर करेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। और हाँ, हमें अपने आदमी से कोई लेना देना नहीं है, ना अपने घर परिवार से कोई लेना देना है, क्योंकि हमारे घर परिवार से हमसे कोई मतलब नहीं है। जब हमें उस घर से निकाला गया है, तो हमें उस घर से कोई लेना देना नहीं है। कौन है हमें नहीं पता, हम अपने आदमी को भी नहीं पहचानते कौन है, हम किसी को नहीं पहचानते। हम इतना पहचानते हैं कि हमारे 2 बच्चे हैं, और उन्हीं को लेके जीना है, जैसे भी जीना है हमारी ज़िंदगी, जैसे भी हम उसमें खुश हैं। तो मुंह में मेरे मच्छर चला गया था बोलते बोलते। तो चलिए, आज हम वीडियो एंड करेंगे, और आएंगे लाइव में, और लाइव में आप सभी जुड़ना, सभी से बातें होंगी अच्छा सा, और जो भी हम गलत बोले हैं, तो उसके लिए आप सभी जनता से माफी चाहते हैं और निवेदन करते हैं कि मेरी गलती का माफ कीजिए, अगर कुछ मैंने गलत बोले तो। आप सभी को मेरे YouTube फैमिली, सबसे पहले तो आप लोग को हमारे चैनल में गुड़िया गुड़िया के चैनल में का स्वागत है। क्या पहने हैं आप लोग, देख सकते हैं क्या पहने हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे हैं हम। अच्छे हैं, बहुत मस्त स्वस्थ है, अभी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। देखिए हम क्या पहने, आज शर्ट पहन लिए हैं, अभी मेरा नहीं है, दूसरे का मांग के पहने हैं। तो इस चीज़ों को आप लोग को बताइएगा कैसा लग रहा है। अब मेरा बाबू देखिए एकदम क्यूट लग रहा है, देखिए ना क्या कर रहा है सब, काजल माजल पोत के एकदम से नीप लाप के बरोबर किया है। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। तो हम लाइव आने जा रहे हैं, तो आप लोग जिसको जिसको लाइव में ढूंढना है, आपसे ढूंढिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सपोर्ट करिए। आप सभी को धन्यवाद, और जो जो वीडियो को देख रहा है। और हाँ, एक चीज़ और करना लगता है, रंजना जो है किन्नर, आप लोग जानते होंगे, वो थोड़ा मतलब किस सिर में बंद है नहीं पता है, लेकिन क्या बोलते हैं, पवई थाना में, ये पवई थाना पड़ता है आजमगढ़ की तरफ, तो वहाँ बंद है। तो आप लोग जितने भी सब्सक्राइबर हैं हमारे, छोटे मोटे भाई साहब
जो अगल बगल के होंगे तो उनका जाइए सपोर्ट कीजिए और उनको रिहा कीजिए, जल्द से जल्द बाहर कराइए। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप कौन करेगा? आप लोग ही सब माता पिता सभी आप ही लोग हैं, तो प्लीज़ उनका सपोर्ट कीजिए। हम आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितने भी भाई हैं अगर अगल बगल के होंगे तो जिनको हमारा देखना है तो जाके सपोर्ट कीजिए उनका, और इस चैनल को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि उनको सपोर्ट मिल सके और उनकी लाइफ चलती होगी। आप लोग को पता है उनकी लाइफ चलती होगी, उनकी भाभी चला रही हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो इस वीडियो को शेयर करिए और उनको छुड़ाने की जल्द से जल्द रिहा करने की आप लोगों कीजिए। आप लोग से यही कहेंगे कि इस दिन में बंद ये हमें नहीं पता है, कोई ना कोई बात होगी, जो भी होगी हमसे उसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, रंजना को जरूर छुड़ाइएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम बहुत दूर हैं और हमारे आगे पीछे है नहीं कोई, इसके लिए हम बहुत परेशान हैं, जा भी नहीं पा रहे उनसे मिलने के लिए। तो इस चीज़ को हम कहेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी भाई बहन हैं सभी जाइए और लाइक करिए, शेयर सपोर्ट कीजिए। आप सभी से अच्छे के पहला थे तो हम लोग यहाँ सभी बाय।